कल ही मिलेंगे। तुम लोग को बोलने का जरूरत कैमरे में हाँ, कल देखूंगा मैं आके, कल आके देखूंगा तुम लोग है क्या वन साइड चालू। मुसलमानों ने आपका स्वागत बहुत अच्छा लगा। डोंगरी एक मिसाल है भाईचारे की, अगर कोई भी इसमें जहर फैलाना चाहेगा तो वो फैला नहीं सकता, ये भाईचारे को तोड़ नहीं सकता है। हम सब एक है, हर त्योहार हम साथ में मिलके मनाएं। आपने एक संदेश देने के लिए आज जो किया, जो गणपति के दर्शन किए और आपको प्रसाद दिया गया, क्या कहना चाहोगे? दोनों भाईचारा बतला रहे, कौम को दिखला रहे कि हम सब एक है। एग्जाम्पल देते हैं दुनिया को कि हम लोग मिलके रह सकते, तो दुनिया वाले क्यों नहीं रहे। मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा कि आप वहाँ पर जाके स्टेज पे जाके जो है प्रसाद दो, ये लो, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? दोस्तों, डोंगरी के मुसलमानों ने आज डोंगरी के राजा का स्वागत किया, यहाँ पर नूरबाग जंक्शन पे पानी बांटे, वेफर्स बांटे, भाईचारा का मैसेज देने के लिए बात करते हैं दाऊद भाई से। दाऊद भाई, क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप ये बांट के? ये बार गणपति और ईद मिला दोनों साथ में आई है, तो इस चीज़ का हम लोगों ने ये इरादा किए कि भाई गणपति और ईद मिला दोनों साथ में इस तरीके से मनाए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा फैले, ये सोच के हम लोगों ने यहाँ पर पानी का और वेफर का जो हमारे से बन पड़ा हम लोगों ने उसका इंतज़ाम किए और खिदमत करने की कोशिश की है। लोग उसको ओबे करेंगे और बहुत खुश होकर भी गए वहाँ से। उमर खाड़ी का राजा भी गया है, अभी डोंगरी का राजा आया है, वो लोग भी हमारे से खुश हुए हैं। इसी तरीके से आगे भी मामला चलता रहेगा। मैं कैसा लगा मुसलमानों ने आपका स्वागत? बहुत अच्छा लगा, घर का त्यौहार है, दो भाइयों ने मिलके उसको मनाया है, इसका हमको बहुत खुशी है, खुशी हमारी दुगनी हो गई है अभी जी। अभी अगर ईद मिला दूंगी आज पड़ी थी लेकिन वो कल सेलिब्रेट होते तो एक भाई ने बड़ा दिल करके दिखाया है उसका, इसलिए हम बहुत खुशी है उसके लिए। तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा अभी अच्छा माहौल है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है सब। भाई जान, क्या क्या साबित करना चाह रहे हो आप लोग पानी बांट के और ये बांट के? हम दोनों भाईचारा बतला रहे, कौम को दिखला रहे कि हम सब एक है। सर, मुसलमानों ने आपका स्वागत किया, पानी बांटी, वेफर बांटे, कैसे लगा? पहली बात है क्या मालूम है, यहाँ हम लोग 50 बरस से रहते हैं लेकिन कभी भेदभाव नहीं किया कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है। सब डोंगरी का राजा जो है वो वहाँ जो पहले बता दी कि मुसलमान भी उधर आके पैर पड़ते हैं, अभी भी जो है मुस्लिम समाज वो कभी हम लोग ने ये नहीं किया कि ये मुसलमान है, ये वहाँ हिंदू है, जितने भी ये हो गए ले अभी मिलजुल के हम लोग भाईचारा से ही कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही हम लोग देना चाहिए, ये डोंगरी एक मिसाल है भाईचारे की, अगर कोई भी इसमें जहर फैलाना चाहेगा तो वो फैला नहीं सकता, ये भाईचारे को तोड़ नहीं सकता है। हम सब एक है, हर त्योहार हम साथ में मिलके मनाएंगे। आया इनको ले लिया। मुश्ताक भाई, आपने एक संदेश देने के लिए आज जो किया, जो गणपति के दर्शन किए और आपको प्रसाद दिया गया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सलीम भाई, आज हमने नहीं किया, ये हम लोग बचपन से करते आए थे। आज भी हमारे साथ में हमारे साथी जो है साथ में क्रिकेट खेल के हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, उनके त्यौहार में हम लोग शरीक होते, हमारे त्यौहार में उन लोग शरीक होते हैं। ये हम लोग का भाईचारा है और किसी की ताकत नहीं है कि हम लोग के भाईचारा के बीच में आ गए। समझे? और ये कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं दुनिया को कि हम लोग मिलके रह सकते, तो दुनिया वाले क्यों नहीं रह सकते? क्यों मतलब छोटी मोटी बात के ऊपर झगड़ा और फसाद कराने का? सबका खून एक है, सबका ये सब एक ही है, तो एक आपस में साथ में रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। जैसे मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा कि आप वहाँ पर जाके स्टेज पे जाके जो है प्रसाद दो, ये लो, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? तो फिर उन लोगों को हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए, उन लोग नैरो माइंडेड लोग है। सेक्युलरिज्म इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो व्हाई डोंट यू फॉलो सेक्युलरिज्म? आप समझे मेरे बात को? तो ये ऐसे लोगों को मतलब बोलने का कोई हक नहीं। हमको जो अच्छा लगा हम लोगों ने एक किया, उनको अच्छा लगता उन लोग करते हैं। दैट्स इट सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम में हम भाई भाई रह रहे हैं। जैसे कपड़ा साहब ने बोला 50 साल से हम क्रिकेट खेल रहे, 50 साल से हम पतंग भी उड़ा रहे, 50 साल से हम गोलो गोली खेल रहे, सब भाईचारा ही कर रहे। लेकिन ऐसा मत बोलो उनका त्यौहार है हमारा त्यौहार है। हर त्यौहार इधर डोंगरी में एक डोंगरी एक मिसाल है, हर त्यौहार साथ में मनाए, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, बस।
मनाते रहेंगे भैया। गणपति बाप्पा, कल कल ईद मिलाद है यहाँ पर, हमेशा हर साल की तरह आपकी डोगरी बनता है कि कल आप सब लोग आएंगे। कल वैसे विसर्जन 7:30-8 बजे हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जैसे भी ईद मिलाद उन्नी का कार्यक्रम है तो हम लोग रात को शरीकों आएंगे, शरीकों आएंगे। तुम लोग को बोलने का कैमरे में कल देखूंगा मैं, आके कल आके देखूंगा तुम लोग है क्या वन साइड चालू। कल कल ईद मिलाद है यहाँ पर, हमेशा हर साल की तरह आपकी डोगरी बनता है कि कल आप सब लोग आएंगे। कल वैसे विसर्जन 7:30-8 बजे हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जैसे भी ईद मिलाद उन्नी का कार्यक्रम है तो हम लोग रात को शरीकों आएंगे, शरीकों आएंगे। तुम लोग को बोलने का कैमरे में कल देखूंगा मैं, आके कल आके देखूंगा तुम लोग है क्या वन साइड चालू। हम सब भाई एक हैं और एक रहेंगे। ये सब बोला, सब साथ में नारा तभी।